Hi, मैं हूँ सोनम बाजवा and you're watching me on India TV Showbiz. सश्रीकाल जी, this is Tanya and you're watching me on India TV Showbiz. फिल्म का नाम है गोडे गोडे चा. That means excitement and I'm really excited to chat with these two beauties. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का India TV पर. और जब पंजाबी फिल्म की बात करते हैं ना, वैसे ही हाई ऑक्टेन, वैसे ही एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है. एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी सॉ, मुझे लगता है फिल्म में बड़ा मज़ा आने वाला है. वाकई में मैंने फिल्म देखी है और मैं सच बोल रही हूँ, ये नहीं कि मेरी फिल्म है. जब मैंने देखी, मैंने इतनी इन्जॉय करी, आई वॉज लाइक हाँ इट्स ओवर. सो आई रियली इन्जॉयड इट. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा. आई नो, जब एक्टर्स कहते हैं ना, अपना काम में आप सबसे बड़े क्रिटिक होते हो. जब खुद अच्छा लगा है, दैट मीन्स यू नो. और ये नहीं कि मैंने, मुझे सिर्फ अपना, मुझे सबका, लाइक मुझे, मैं आई विश कि मैं बता सकती कि मुझे कौन से सीन, कौन से डायलॉग्स, क्योंकि कुछ तो सरप्राइज रखा हुआ है. तो सबका ही मुझे देखकर, सब एक्टर्स का काम फिल्म में देखकर बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया. बहुत फिल्म औरतों के हक की बात करती है. कई जगहों पर हम डिप्राइव हो जाया करते थे, अब तो वक्त बहुत बदला है. लेकिन ऐसा कोई वाक्या आप दोनों के जीवन में कभी लगा हो कि ये मौका आया एंड देन यू नो यार, एज अ फीमेल वो नहीं कर पाए या नहीं मिला, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मुझे याद नहीं है कि अब रीसेंट कोई वाक्या कि क्या मैं लाइफ में नहीं कर पाई, मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे मेरे बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद हैं जो मुझे लगता है कि यार, अगर मैं लड़का होती ना तो मैं ये करती, या मुझे ये चांस मिलता. जैसे मेरे भाई को घर के बाहर खेलना अलाउड था, मुझे नहीं था. तो ये सबके साथ नहीं होता, ये कुछ मतलब शायद गांव में या कुछ फैमिलीज में ऐसा होता होगा. तो बचपन की वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई बैठ के बाइक पे दूसरों के साथ जा सकता था लेकिन मुझे अलाउड नहीं था. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. भाई को फ़ोन मिला जल्दी, दो वी आर ट्विंस, बट उसको फ़ोन पहले दिया, मुझे बाद में दिया, एक डेढ़ साल बाद. सो दीज आर लिटिल थिंग्स, बट देर वॉज डेफिनेटली दैट थिंग नो, कि ये लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो इसको ज़रा ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा लाइक थोड़ा ज़्यादा मेरे साथ अलग तरीके से. हाँ जी, आप टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा ज़्यादा कुछ सिनेरियो है नहीं. ऑल थैंक्स टू द फैमिली दैट आई एम बॉर्न इन. They always maintained a healthy balance. Doesn't matter a girl child or a boy. So whatever I wanted to do, they made sure वो मेरे पीछे खड़े हैं. If I go, I fall down, they're there to pick me up. But उन्होंने मुझे जो करना था करने दिया. If I wanted to study abroad, they sent me there. So I am blessed enough. And what I have learned from this is कि अगर मुझे आज मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, आई विल बी द सपोर्ट सम डे टू मैनी ऑफ द अदर गर्ल्स, ताकि वो वैसी लाइफ बना सके जैसी वो बनानी चाहते हैं. सोनम, पंजाबी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री, अभी तो खैर पैन इंडिया हो गया है एंड इसलिए हम शायद एक पंजाबी फिल्म का प्रमोशन यहाँ देख पा रहे हैं, पहले नहीं था. और अब हर भाषा की जो फिल्म है वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. कितना फ़र्क आप देखते हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी में? देखिए, बजट्स का एक तो बहुत बड़ा फ़र्क है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और पूरे देश में हिंदी बोली जाती है ज़्यादातर हिस्सों में. सो इसलिए शायद इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है. पंजाबी ग्रोइंग है अभी, बट फिर भी अगर मैं 5 साल पहले की पंजाबी सिनेमा देखूं और आज की देखूं, देर इज़ डेफिनेटली अ चेंज, देर इज़ डेफिनेटली अ ग्रोथ. तो बट ये कि हमें अभी भी बहुत चीज़ों पे काम करना है. अभी रिसेंटली आपने बात करी थी कि वहाँ पे रोल्स के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और चूँकि इतने सालों से आप वहाँ लोगों के बीच में हैं, प्यार पाया है, तो क्या आज आपका ये कहना या बात करना कोई फ़र्क या कोई मायने रखता है? आई होप रखता है. मुझे तो खैर, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जब हमारी एक फ़िल्म आई थी गुड्डियाँ पटोले, तो वो एक पहली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी. क्रिटिकली तो अक्लेम थी, लोगों को बहुत पसंद आई, बट उसने पैसा भी कमाया. सो इट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर दैट. उसके बाद एक और फिल्म आई, फिर अब तो काफ़ी फिल्में आ रही हैं. तो चेंज तो है, मुझे लगता है, और हमेशा उम्मीद भी करते हैं कि लोग जो है फीमेल सेंट्रिक फिल्म को भी आकर सपोर्ट करें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी आकर सपोर्ट करें. नहीं तो मतलब प्रोड्यूसर कैसे पैसा लगाएंगे, कैसे हम लोग डिफरेंट कुछ बनाएंगे अगर ऑडियंस सिनेमा में नहीं आएगी.
हिंदी सिनेमा में भी आप दोनों ने इनफैक्ट ऑडिशंस भी हुए हैं, बड़ी फिल्मों में भी ऑडिशंस हुआ है, कहाँ देख पाएंगे आगे जा कर के सोनम तानिया आपको? कहीं कुछ साइन किया है या समथिंग कमिंग ऑन द वे? बताइए तानिया जी. स्काई इज द लिमिट एंड ऑफ कोर्स जिस दिन आएगा उस दिन इधर ही बैठ के हम प्रमोशंस उसके भी कर रहे होंगे. सो यस, ऑडिशंस आर गोइंग ऑन एंड वी आर वर्किंग हार्ड टू बी एट दैट लेवल. सो अभी तो पूरा फोकस अपनी इंडस्ट्री लिफ्ट करने पे है एंड वंस वी आर लिफ्टिंग दैट साइड बाय वी आर आई एम पर्सनली डूइंग ऑडिशंस एज वेल. सो लेट्स सी व्हाट कम्स इनटू माय बास्केट एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. ट्रू. सोनम, अभी रिसेंटली आपने वर्ल्ड टूर किया है अक्षय कुमार के ग्रुप में, हाउ वाज दैट एंड यू नो काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये शो? जी, बहुत अच्छा लगा. और सी यहीं से मैं, पता आपने बात की ना, मुझे ग्रोथ पंजाबी सिनेमा की नज़र आती है. मुझे लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, सब बॉलीवुड के हैं, सब ने पहले शोज़ किए हैं, मैं सिर्फ एक पंजाबी आर्टिस्ट हूँ. खैर, नाउ आई डोंट रेफर माई सेल्फ एज पंजाबी, आई एम अ इंडियन आर्टिस्ट वर्किंग इन पंजाबी लैंग्वेज. तो मुझे कहीं ना कहीं पंजाब में तो हमें बहुत प्यार मिलता है, लोग जानते हैं, बहुत प्यार देते हैं. तो ये एक मेरे लिए एक चीज़ थी कि यार मैं जा रही हूँ अमेरिका. एक तो मैं अमेरिका पहली बार जा रही थी, लाइव पहली बार परफॉर्म कर रही थी और मेरे साथ कोई पंजाब का आर्टिस्ट नहीं था. सो बट मुझे एक मिनट के लिए भी किसी शो में कभी फील नहीं होने दिया किसी ने, ना तो टीम मेम्बर ने ना ऑडियंस ने. और सारा क्रेडिट ऑडियंस को ही जाता है, जो फैंस आए, जो भी मैं परफॉर्म कर रही थी गाने, वो तो सब डांस कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे. तो इतना प्यार दिया, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं हुआ दैट आई डोंट बिलोंग देयर, यू नो. तो बहुत मेमोरीज बनाई एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई फील लाइक कि अभी शुरुआत हुई है, अब बहुत सारी सिटीज़ में और भी और कंट्रीज़ में भी होने वाला है शोज़. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. और हम कहेंगे कि ये फिल्म भी लोगों के दिलों तक पहुँचे, क्योंकि बाहुबली ने इस दौर में बाहुबली ने वो रास्ता तो बना दिया है कि यू नो वो आप एक सीमा तक सीमित नहीं है. जी, इट हैज गॉन लाइक वी हैव बाहुबली, वी हैव कंतारा, वी हैव कंतारा, नेक्स्ट वी आर गोना हैव गोडे गोडे चा. यस, मैन टू दैट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच.